स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि व्यंजन गुच्छ क्या होते हैं और हिंदी में कौन कौन से व्यंजन गुच्छ प्रयोग में लाए जाते हैं। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको द्वितीय व्यंजन और संयुक्ताक्षर की जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। व्यंजन गुच्छ, उच्चारण और लेखन की दृष्टि से व्यंजन गुच्छ का विशेष महत्व है। व्यंजन गुच्छ में दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है। इसमें दो व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं, जैसे पक्का, प्यास, स्वतंत्र, स्पष्ट आदि। इसमें पक्का शब्द में आधे क और पूरे क का प्रयोग हुआ है। इसमें दोनों क आपस में जुड़े हुए हैं, ये व्यंजन गुच्छ है। प्यास शब्द में आधे प और य का प्रयोग हुआ है। स्वतंत्र शब्द में आधे स और पूरा व जुड़ा हुआ है। स्पष्ट शब्द में आधा स और प व्यंजन आपस में जुड़े हुए हैं, ये व्यंजन गुच्छ है। हिंदी में अनेक प्रकार के व्यंजन गुच्छ प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। स्वर रहित का मतलब है जिसमें स्वर नहीं होता, जिसमें अ नहीं होता, जो आधा होता है। और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है जिसमें स्वर मिला होता है, जो पूरा होता है। जैसे चम्मच, चम्मच शब्द में आधे म और पूरे म का प्रयोग हुआ है। सच्चा, पक्का, रस्सी, बिल्ली, मम्मी आदि, इन शब्दों में दो समान व्यंजन का प्रयोग हुआ है जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दूसरा है संयुक्ताक्षर। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे मक्खन, मक्खन शब्द में आधे क और पूरे ख का प्रयोग हुआ है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है, लेकिन दोनों व्यंजन अलग अलग हैं, इसीलिए इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। शक्ति, भक्ति, व्याम, गुच्छा, संख्या, मक्खी आदि शब्द संयुक्ताक्षर के उदाहरण हैं। इसमें दोनों अलग अलग व्यंजन प्रयोग में लाए जाते हैं। र, पूरे र या आधे र युक्त व्यंजन गुच्छ। क प्लस र, जब क आधा हो और र पूरा हो तो क के पैर में र का प्रयोग होगा, ये र का पदेन रूप है। उदाहरण देखिए, क्रम, वक्र आदि। र प्लस थ, जब र आधा हो और थ पूरा हो तो थ के ऊपर र का प्रयोग किया जाएगा, ये र का रेफ रूप है। उदाहरण देखिए, अर्थ, सार्थक आदि। ट प्लस र, जब ट आधा हो और र पूरा हो तो ट के पैर में र का प्रयोग किया जाएगा, ट्र, ट्रक, ड्रम, ये र का पदेन रूप है। ये व्यंजन गुच्छ है जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।